हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको लिखते कैसे हैं आइए देखते हैं। इसको लिखते हैं एफ ऑफ जी और एक्स। इसको इस तरह से लिखा जाता है। सेम अगर मैं आपसे पूछूं जी ऑफ एफ एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? जी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। अब देखते हैं ये क्या आया मेरे पास, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखे हैं मुझे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 2, और मैं आपको बोलूँ पुट x इज इक्वल टू 2। दोस्तों पुट x इज इक्वल टू 2 यानी कि x की जगह पे क्या पुट करो? 2 पुट करो। आप सिंपली क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे 4 + 4 + 2, 4 4 8 और 2 10। या तो पुट x इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हैं, या इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 यानी कि x की जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। ठीक है, सेम अगर मैं इस चीज़ को, यहाँ पे क्या था? एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स था। ठीक है दोस्तों, एक्स की जगह पे 2 पुट कराना था तो मैंने एफ ऑफ 2 लिख दिया था, यानी कि एक्स की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब मैं बोलूँ एक्स की जगह पे, जैसे एफ ऑफ 2 था, एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट किया था? 2 पुट किया था। अब यहाँ एक्स की जगह पे क्या सारा? जी एक्स है, तो मैं एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा? जी एक्स पुट करूँगा। ठीक है दोस्तों, सेम इसमें जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सेम जैसे, हाँ जी, एक्स की जगह पे मैंने 2 पुट एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ 2 का मतलब क्या? एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पे मान लो जी ऑफ एक्स होता, ये जी ऑफ एक्स होता, जी ऑफ एक्स होता। ठीक है दोस्तों, और मैं बोलूँ जी ऑफ 2 फाइंडर करो, आप जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 2 पुट कर देते। ठीक है, अब मैं बोलूँ जी ऑफ एफ एक्स फाइंडर करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करोगे? अब एफ एक्स पुट करोगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एंड जी ऑफ एक्स ये है, और मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था एफ ऑफ जी को कैसे, एफ ऑफ जी एक्स इसको कैसे लिखते हैं, अभी मैं बता कहता हूँ एफ ऑफ जी और एक्स। ठीक है, अब हाँ जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना है? जी एक्स पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो? जी एक्स पुट कर दो यहाँ इसमें। ठीक है दोस्तों, एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो? जी एक्स। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? इस तरफ भी जी एक्स आ जाएगा, इस तरफ भी क्या आ जाएगा? जी एक्स। हाँ जी, इसका क्या है? स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या किया, मेरे पास एफ ऑफ एक्स था, एक्स स्क्वायर था, मुझे एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना था, एफ ऑफ जी को मैं क्या लिखता हूँ? एफ ऑफ जी एक्स, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, और मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? जी एक्स पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ वहाँ जी एक्स पुट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 2। जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 पुट कर दो, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, वो मेरे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स मेरे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 2x। तो इस तरह से हम एफ ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमसे जी ऑफ एफ पूछ लेता, जी ऑफ एफ एक्स, वो भी निकाल के देखते हैं। आइए, हाँ जी, मुझे निकालना है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे लिखते हैं?
जी इंटू एफ एक्स, ठीक है। हाँ जी, जी ऑफ एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मुझे क्या पुट करना है, एफ एक्स पुट करना है, क्योंकि मुझे जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है दोस्तों। एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दो, रख देते हैं, हाँ जी रख दो। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, एफ एक्स और टू एज इट इज़, ठीक है। हाँ जी, एफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ से, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर जी ऑफ एफ एक्स, ये एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आ गया मेरे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है दोस्तों, और जी ऑफ एक्स ये दे रखा है मुझे, मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड एफ ऑफ जी वन, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। पहले एफ ऑफ जी वन को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, एफ ऑफ जी वन, ठीक है दोस्तों। इसको लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ये ऐसे सेम, उसके बाद हाँ जी इसको लिख लिया ऐसे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं जी वन, ये चीज़ आ गया इसको लिख के, ठीक है। अब मुझे पहले जी वन की वैल्यू निकालनी है, जी वन, जी वन, हाँ जी जी ऑफ एक्स लिख लो यहाँ पे, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, फोर एक्स माइनस के फाइव, ठीक है, जी ऑफ एक्स ये है, और मुझे जी वन निकालना है, यानी कि एक्स की जगह पे अगर मैं वन पुट कर दूँ तो जी वन आ जाएगा, पुट कर देते हैं जी वन, एक्स की जगह पे वन पुट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट एक्स इज इक्वल टू वन, हाँ जी चार एकम चार और माइनस के पाँच तो माइनस वन, जी वन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस वन, हाँ जी तो जी वन की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट कर सकता हूँ, कर दो एफ ऑफ माइनस वन, ठीक है दोस्तों। हाँ जी एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये था, यहाँ पे लिख देता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ माइनस वन, यानी कि एक्स की जगह पे अगर माइनस वन पुट कर दूँ तो वैल्यू आ जाएगी, कर दो एक्स की जगह पे माइनस वन, टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व किया, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, टू इंटू वन, यहाँ पे माइनस तीन और प्लस के पाँच, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व किया तो ये क्या आ गया, पाँच चार दो सात, सात में से तीन के क्या होते हैं चार, तो एफ ऑफ माइनस वन कितना आ गया मेरे पास, फोर आ गया, तो और फोर क्या था ए, तो ए क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एफ ऑफ जी वन आप निकाल सकते हो। आइए अगर देखते हैं यहाँ पे जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ वन होता तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता, आइए निकालते हैं जी ऑफ एफ वन कैसे करेंगे। हाँ जी अब मुझे निकालना है जी ऑफ एफ वन, जी ऑफ एफ वन, इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था जी ऑफ एफ वन, ठीक है। अब पहले मुझे क्या निकालना है, एफ वन निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है दोस्तों। एक्स की जगह पे वन पुट किया मैंने, टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस फाइव, ठीक है, ये क्या हो गया दो और तीन पाँच और पाँच दस, तो यानी कि एफ ऑफ वन क्या आ गया मेरा दस, ठीक है दोस्तों। हाँ जी अब एफ वन की जगह पे दस रख दूँ मैं तो मुझे अब क्या निकालना है, जी ऑफ दस, ठीक है दोस्तों। और जी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, हम रखते जी एक्स क्या मेरे पास, फोर एक्स माइनस फाइव। अब मुझे जी दस की वैल्यू निकाली, यानी कि एक्स की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, दस पुट कर दो, हाँ जी दस चौके चालीस और चालीस में से पाँच गए क्या होता है पैंतीस, ठीक है दोस्तों। इसमें से एक आंसर होगा थर्टी फाइव होगा, ठीक है दोस्तों। तो दस चौके चालीस, चालीस में से पाँच गए पैंतीस, तो सी क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है मेरा लॉग एक्स के बराबर है, ठीक है दोस्तों।
जी ऑफ एक्स क्या है मेरा लॉग एक्स के बराबर है, फाइंड करना मुझे एफ ऑफ जी वन। आइए देखते हैं, और मुझे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे राइट आंसर क्या है। मुझे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी वन, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यानी कि मुझे पहले जी वन की वैल्यू निकालनी है, जी वन, जी एक्स क्या था मेरा, यहाँ लिख लेता हूँ, जी एक्स क्या था मेरा लॉग एक्स, ठीक है दोस्तों। सिंपली एक्स की जगह पे क्या पुट कर दो, वन पुट कर दो, क्योंकि मुझे जी वन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लॉग वन, जी वन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास लॉग वन, ठीक है दोस्तों। तो जी वन की जगह पे यहाँ पे लॉग वन रख देते हैं, एफ ऑफ लॉग वन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है एफ ऑफ लॉग वन, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास ई रेस्ट पावर एक्स, जहाँ पे x है। अब मुझे वहाँ पे क्या पुट करना है log 1, कर देते हैं यहाँ पे, कर देते हैं log 1, हाँ जी कर देते हैं, ई रेस्ट पावर x की जगह पे क्या पुट करना है log 1, क्यों f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर x था, ठीक है। और मुझे x की जगह पे log 1 पुट करना था, क्योंकि मुझे f ऑफ log 1 फाइंड आउट करना था, मैंने x की जगह पे log 1 पुट कर दिया, तो इधर भी log 1 आ जाएगा, ठीक है। अब e और लॉग, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसको लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल और लॉग के बीच में रिलेशन होता है, ई और लॉग हमेशा इकट्ठे नहीं आते, जब भी इकट्ठे आते कट जाते हैं, तो सिंपल पावर रह जाती है, एक्स रह जाती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की, ठीक है। ये आपस में कट जाते हैं तो सिंपल पावर रह जाती है। इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो हाँ जी, ई और लॉग आपस में कट गए तो क्या बचा यहां पे वन, तो मेरा वन क्या आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि एफ ऑफ जी वन क्या आ गया मेरा वन आ गया। आइए, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सेम है, ठीक है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, मुझे फाइंड आउट करना है टू एफ वन, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, टू एफ ये मेरे पास गिवन है, इसको इस तरह से लिखते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है ये टू, ये बाहर आ गई, ये बाहर, और ये इसके इसके साथ लिख दिया, हाँ जी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पहले एफ वन, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स देखते हैं क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास ई रेज़ टू पावर एक्स, एक्स की जगह पे आप वन पुट कर दो तो ई रेज़ पावर वन आ गया, और किसी की पावर वन क्या सेम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पुट कर दो एफ ओ वन की वैल्यू, टू इंटू एफ वन की वैल्यू क्या है ई, तो टू, और टू ई क्या है मेरा बी, तो बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह आपसे एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा, थैंक यू वेरी मच।